नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैम में। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बड़ी अनाउंसमेंट को लेके होने वाला है। ये टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से 2022 के जो निंजा की रिक्रूटमेंट आने वाली है उसकी प्रोसेस को लेके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुके हैं। जी हाँ, इसका पूरा नोटिफिकेशन साथ ही अनाउंसमेंट टीसीएस के पोर्टल पे और बाकी सारे न्यूज में भी आ चुका है। तो आप लोग जो कोई भी इंटरेस्टेड है टीसीएस एनक्यूटी 2022 में रजिस्टर करने के लिए, जरूर से इससे जुड़े सारे डिटेल्स और डेट्स हमारे इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा आप लोग हमारे वीडियो में, ताकि आपसे कोई भी डिटेल या डेट्स मिस मत हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और जितना हो सके शेयर करते रहिए। तो अभी हम आगे इस वीडियो में देख लेते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी 2022 में आने वाली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या नेसेसरी डिटेल्स और डेट्स आपको ध्यान में रखनी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टीसीएस एनक्यूटी 2022 के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो चुके हैं। ये जो पोजीशन है ये टीसीएस निंजा की होने वाली है। इसमें जो हायरिंग है वो 2022 के पास आउट बच्चों की होने वाली है। इससे जुड़े सारे डिटेल्स यहाँ नेसेसरी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसे मैंने बताया कि जो क्वालिफिकेशन होने वाली है वो बीई, बीटेक, एमटेक, एमसी और एमएससी की होने वाली है। 2022 के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है वो अक्रॉस द इंडिया होने वाली है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2021 है, और जो आपकी एग्जाम की डेट होने वाली है वो 30 अगस्त 2021 होने वाली है। इसलिए ये दोनों डेट्स को आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा और ध्यान में रखिएगा जरूर अपने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस में भी, साथ ही एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करना भी शुरू कर दीजिएगा। तो इसमें जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 2022 में पास आउट बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इस बार की टीसीएस निंजा हायरिंग के लिए। जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 6 CGPA से अबव होना चाहिए, चाहे आपका 10, 12 डिप्लोमा या फिर जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उन सब में, यानी कि 60% से ज्यादा आपके मेंबर होने चाहिए। इसके अलावा आपके बैकलॉग्स वगैरह नहीं होने चाहिए कोई भी एक्टिव एक से ज्यादा। साथ ही साथ आपका कोई भी एटीकेटी जब आप एग्जाम देने वाले हैं उस टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जो भी है आपके पुराने क्वालिफिकेशन के बीच में एक एक्टिव बैकलॉग उनको एप्लीकेबल है, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो आपका गैप है या एजुकेशन ब्रेक है वो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली कि 24 मंथ्स, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी 2 साल से ज्यादा का आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपके स्कूलिंग और आपके ग्रेजुएशन के बीच में। साथ ही साथ आपका जो कोर्स का टाइप है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फुल टाइम कोर्सेज को कंसिडर किया गया है। साथ ही करेस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम कोर्सेज को यहाँ कंसिडर नहीं किया गया है। इसलिए जो लोग बिल्कुल फुल टाइम कोर्स किए हुए हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे एप्लीकेशन के लिए। साथ ही अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल है, और अगर नहीं है तो भी आप यहाँ फ्रेशर होकर अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। पर 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे और आप काफी अच्छी तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। साथ ही जो आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है वो 18 से 28 साल के बीच का होने वाला है। इसके अलावा जो कोर्सेज और डिसिप्लिन है वो यहाँ मेंशन किया गया है कि यूजी पीजी में इंजीनियरिंग कोर्स कोई भी जो कि बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएससी का है, किसी भी स्पेशलाइजेशन का यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस जो कोई भी एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए उनकी लिस्ट भी यहाँ मेंशन की गई है, आप उसे जरूर से देख लीजिएगा उनके पोर्टल पे जाके, ताकि आप ये जान सकें कि आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करे हैं वो उनके उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। साथ ही जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि टीसीएस एनक्यूटी का टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मैनेजेरियल इंटरव्यू होगा और लास्ट में आपका एचआर राउंड होने वाला है। इस तरह से 4 स्टेप में आपकी ये हायरिंग होने वाली है। उसके अलावा जो एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 92 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 180 मिनट्स में। तो जो इसमें 92 क्वेश्चंस है उनको इन्होंने वर्बल एबिलिटी के 24 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल के 26 क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग लॉजिस्टिक के 10 क्वेश्चंस और कोडिंग के 2 क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। साथ ही इसमें टीसीएस का टेस्ट का जो पैटर्न होने वाला है वो यहाँ मेंशन किया गया। आप इसे बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है पेपर को, जिसमें से कॉग्निटिव स्किल्स और दूसरा प्रोग्रामिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। टाइम भी बेस्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है और टोटल टेस्ट का ड्यूरेशन जो कि 180 मिनट्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये अप्लाई लिंक दिया हुआ है। आपको जैसे इस पे क्लिक कर देंगे
तो आपका इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाने वाला है। ये TCS का रिक्रूटमेंट का रजिस्ट्रेशन का पेज है। इस पेज को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे नेसेसरी डिटेल्स जो मैंने बताए वो यहाँ दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की एंड डेट, टेस्ट की डेट, साथ ही इंटरव्यू की डेट जो आपकी टेस्ट देने की और रजिस्ट्रेशन की बात बताई जाएगी। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दर कंटिन्यू जरूर से कर सकते हैं। नीचे आने पे आपको वो सारी डिटेल्स जो नेसेसरी हैं आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके भी पूरे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। स्टेप वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस तरह से इसमें लॉगिन करना है, किस तरह से आपको पोर्टल पे ध्यान रखना है और किस तरह से आपको जो आपके पासवर्ड्स और यूनिक आईडीज दी रहेंगी वो आपको ध्यान में रखना और सेव रखना जरूरी है, क्योंकि आगे के फर्दर कम्युनिकेशन आपको उसी आईडी के साथ होंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स और जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ मेंशन किए गए, तो आप लोग जरूर से इसे ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन पे ध्यान रखिएगा। हेल्प डेस्क का यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया गया है कि अगर आपको इनकेस एग्जाम के दौरान या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनको अपनी जो भी आपकी इश्यू है उनको डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे कुछ FAQs दिए गए हैं, टेस्ट की एलिजिबिलिटी पैटर्न और कुछ डाउट्स जो आपके मन में रहते हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। तो इस तरह से आपको इस पूरे प्रोसेस का डिटेल मेंशन यहाँ पे किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल है। अगर आप लोगों का पहले से इसमें आईडी है तो आप उस आईडी को कंटिन्यू कर सकते हैं लॉगिन करके, पर अगर नहीं तो आपको यहाँ फ्रेश अपना आईडी बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा अपना रिजल्ट, अपना एग्जाम और अपने आगे की फर्दर जो सारी प्रोसेस होने वाली है वो आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही उसका अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसलिए आप लोग नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जरूर से ध्यान से देखते रहिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।